आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। भाभी जी ने हमें तुम कहा? तुम मर्द औरतों को बेवकूफ समझते हो ना? शट अप, एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। अरे हमसे क्या भूल हुई जो आप खफा हो बैठे? मैं तुम्हारे इरादे भांप चुकी हूँ, तुम मेरा शिकार करना चाहते हो ना? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? एक्चुअली मैं तुम्हारे चिरौटे जैसी आंखों के पीछे छुपे हुए वैशी दरिंदे को पहचान गई हूँ। तुम्हारी जो भोली सी शक्ल है ना, उसके पीछे छुपे हुए शैतान को पहचान गई हूँ। तुम तो बस इस मौके की तलाश में होते हो कि कब मैं अकेले हूँ और कब तुम यहाँ पर आकर मेरा शिकार कर लो। बस भाभी जी बस, पापा में गोली मार दीजिए, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन ऐसा घटिया इल्जाम आप हम पर मत लगाइए भाभी जी, मत लगाइए। अरे आप तो हमारे लिए देवी हैं, देवी, हम आपकी उपासना करते हैं, हम हमेशा आपकी तलाश में रहते, लेकिन आपका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि आपके दर्शन करने के लिए। और आज आपने इतना बड़ा इल्जाम हम पर लगा दिया भाभी जी। तिवारी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सब मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रही थी, ये एक्चुअली मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए एक नाटक तैयार कर रही थी, वैशी दरिंदा, उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही थी। आज आपने हमारे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मुझे तुम्हारी बदबू से सख्त नफरत है। लेकिन सुना है भाभी जी के बचपन का प्यार तुम्हारी बदबू बड़ी पसंद करता था, इसलिए आज से हम तुम्हें सह लेंगे। नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस। आई लाइक इट, आई लाइक इट। मलखान क्या कर रहा मशीन के साथ? I like it. सक्सेना भाइयों, अब बनगो तुम्हारा टैटू। हाँ, अब देख लो आराम से। I like it. अब भैया सरांद सी आ रही। I like it. अब भैया जी, लसन खा के आए क्या तुम? एक चमाट मारूंगा भी। लसन खा के आए? बिलौंडे ये बता, तू कर क्या रहा है? भैया जी तो ये दिखना रहा, आज टैटू बना रहा हूँ मैं। ये तूने कब से शुरू किया धंधा? अब बस भैया जी आपके आशीर्वाद से आज से शुरू करूंगा ना। धंधा तूने सही टाइम पे शुरू किया, जिंदगी में तूने सही काम किया है ना, लौंडे तो यही किया तूने बस। मैं तो कहता हूँ विभूति भैया आप भी बनवा लो, लौंडा बहुत अच्छा टट्टू बनाता है, मजा भी बहुत आता है। आई लाइक इट। टट्टू नहीं, टैटू, टैटू। दिखाइए जरा आपने क्या बनवाया अपने हाथ पे। I like it. बिल्कुल करेक्टर में है आप। I like it. सुन रहे, मेरे गुद्दी बना दो एक टैटू तू। भैया जी यूं तो बता दो क्या बनानो है। सांप बनानो है, मतलब सांप बनाना है। सांप बनानो है? हाँ। कौन सा बनानो है, अजगर या कोबरो? कोबरो, I mean कोबरा। आ जाओ यहाँ पे बैठो। वहां का देख रहा गुद्दी यहाँ पर है। भैया जी वो ध्यान भटक गो थोड़ो। हाँ, चलो भी लग। हाँ। सुन। हाँ। दर्द ही होना चाहिए लेकिन याद रखियो। चिंता मत ना करो, बिल्कुल पानी की तरह बना दूंगा। हाँ बना। ओए! दर्द हो रहा यार। नहीं, नहीं मुझे नहीं बनवाना, मैं पैसे बना लूंगा यार। मत कर यार, क्या कर रहा तू ये? सक्सेना मेरा हाथ छोड़ दे बेटा मेरा। आई लाइक इट, आई लाइक इट। गार्लिक लहसुन। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आ भरभूति जी। हाँ, कैसे बा? ठीक बा, I mean I'm fine, how are you? Fantastic बा।
It's not fine plastic, it's fantastic. हाँ सही पकड़े हैं. बैठिए ना भाभी जी प्लीज. ठीक है बैठिए बैठिए. ये सेटिंग चेंज करवाई है ना फर्स्ट. एनीवे मैं क्या कह रहा था भाभी जी आपसे कि यू नो बचपन के दिन भी कमाल के दिन होते थे ना. हाँ बचपन के दिन बहुत कमाल के थे. ये हमारे लड्डू को भी देखो कितना मासूम है. लड्डू को खा ले आई बीच में आप. हाँ क्या बोले. एक्चुअली बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसको मैं आज भी मिस करता हूँ. लड्डू के भैया की भी एक दोस्त थी. वो भी मुझे बहुत मिस करते हैं. भाभी जी आप जानती हैं उस लड़की का नाम क्या था. क्या नाम था. भाभी जी उसका नाम था. हदिया. हमने आपको कुछ खाने के लिए पूछा ही नहीं. हम आपके लिए खाने के लिए लेके आते हैं. हाँ बैठिए. अबे विभूति यही मौका है भाभी जी के बचपन की यादों की गठरी खोलने का. अब भाभी जी मैं अपने खाने के लिए अपने साथ में लाया हूँ. हदिया क्या बात कर रहे हैं. ये देखे लहसुन. आप लहसुन खा रहे हैं. भाभी जी मैं लहसुन मूंगफली की तरह खाता हूँ. मैं लहसुन दिन रात खाता हूँ. सोते जागते उठते बैठते लहसुन खाता हूँ. लहसुन मेरी जिंदगी है. लहसुन मेरी स्टेबल डाइट है. लगता है भाभी जी ने आपके नल्लेपन से तंग आकर आपको खाना देना बंद कर दिया है इसलिए दूसरों के घर में घुसकर लहसुन खा रहे हैं. लहसुन खाना मेरा शौक है मजबूरी नहीं. अरे तो ये घटिया शौक अपने घर में पालिए ना. यहाँ क्यों बदबू फैला रही हैं. आपको पता है ना हमें लहसुन की बदबू से सख्त नफरत है. लेकिन भाभी जी को इससे प्यार है. हदिया हमने कब कहा ये लहसुन का स्माइल हमारे दिमाग में चढ़ जाता है. अभी इज नॉट स्माइल इट्स स्मेल. सही पकड़े हैं. हमने कहीं पढ़ा है भाई. क्या तुमने कहीं इंटरव्यू दिया था क्या. नहीं हमने तो किसी पेपर में इंटरवल नहीं दिया. अब भाभी जी इट्स नॉट इंटरवल इट्स इंटरव्यू. सही पकड़े हैं. चलिए जाइए बहुत बदबू फैला चुके जाइए. अरे जाइए ना. ओहो केवड़े से सारा घर धो दो. पूरे घर में लहसुन लहसुन कर दिया है. पता नहीं कहां से इतना घटिया शौक पाला इन्होंने. अब भूल गए का आपको भी लहसुन खाने की आदत थी. अम्मा जी ने मार मार के भगाई हैं. भाभी जी ये बात नहीं है. नहीं हम समझ गए. अब कोई बात नहीं. एक मिनट. अब लड्डू के भैया. लड्डू के भैया क्या है. आइए. क्या हुआ अंगूरी. ये देखिए भरभूति जी फटी हुई बनियान पहने हैं. अरे भभूति जी आप हमसे कह देते हम आपके सामने बनियानों का अंबार लगा देते. आखिर पड़ोसी हैं. पड़ोसी के किस दिन काम आएंगे. हैं कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है हम तुरंत लेके आते हैं. जल्दी ले आइए. भाभी जी आप नहीं सब लड्डू के भैया गरीबों की मदद करते हैं. ऐसा नहीं है. पहले काहे नहीं बताया आप हमको. मेरी बात ही समझ रही. मैं नहीं हमको कुछ नहीं सुनना है. पड़ोसी हमको बता नहीं सकते थे. आइए. और सुनिए अंगूरी जरा कान बंद करो. अगर कच्छा भी फटा है तो उसका भी कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है. लाए क्या. क्या बोले. कुछ नहीं हूँ. थैंक यू बोल रहे हैं. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.